महाश्वय, दोस्तों मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 17 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:43 पर सूर्यदेव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तुला राशि है, इनकी नीच राशि मानी जाती है, तो यहां पर ये नीचस्थ अवस्था में 16 नवंबर 2024 तक रहने वाले हैं। इस एक महीने की समयावधि में सूर्य कई राशि वाले जातकों के जीवन में शुभता देने वाले हैं, तो कई राशि वाले जातकों के जीवन में नेगेटिविटी भी देने वाले हैं। तो मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा रिजल्ट मिलेगा, यह जानकारी आपको देने वाले हैं। तो मीन राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपके लिए बहुत ही खास है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। देखिए, सूर्यदेव के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्यदेव को एक सात्विक ग्रह माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर सूर्यदेव अगर प्रभावी हो या बलवान अवस्था में विराजित हो, देखिये सबसे पहले जो जातक के जीवन में विरोधी टिक नहीं पाते हैं। सूर्य अगर बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति सामाजिक कामों में, राजनीतिक कामों में और सरकारी क्षेत्रों में कम प्रयासों में ही सफलता अर्जित करता है। बलवान सूर्य का प्रभाव जातक के अंदर आकर्षण क्षमता को देता है, लीडरशिप क्षमता को देता है, तो इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति भी अर्जित करता है। लीडरशिप क्षमता होने की वजह से ऐसा जातक जो होता है वो कई लोगों के समूह को अपने अंडर में काम कराने के लिए भी सक्षम रहता है। और सूर्यदेव अगर पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो जीवन में नेगेटिविटी का सामना ज्यादा करना पड़ता है, पिता के साथ निरंतर मतभेदों का सामना करना पड़ता है। सूर्यदेव अगर कमजोर अवस्था में विराजित हो तो जातक को हड्डी जनित बीमारी, पीलिया की समस्या, दांतों की समस्या और भूख नहीं लगती है, यानी बुखार की समस्या और भूख कम लगने की समस्या भी होती है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में यह कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। तो जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देवता सिक्स हाउस यानी छठवें घर के स्वामी माने जाते हैं, जो 17 अक्टूबर 2024 को आपके अष्टम घर में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के अष्टम घर से आयु, दुख, आकस्मिक धन लाभ, ससुराल पक्ष के बारे में और शोध कार्यों के बारे में विचार किया जाता है। तो यहां पर सूर्यदेव आपके राशि में एक तो नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं, लेकिन चूंकि छठवें भाव के स्वामी हैं तो विपरीत राजयोग बनाकर अष्टम भाव में विराजित हैं। तो अब यहां पर मीन राशि वाले जातकों को लाभ मिलने वाला है। सबसे पहला लाभ यह होगा कि अगर आप पुराने समय से घर में किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति को लेकर प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको शुभता मिल सकती है। लंबे समय से परिवार में अगर किसी प्रकार की दुविधा, संकट या नेगेटिविटी बनी हुई है तो परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपके जीवन से समाप्त हो सकती है। उसके साथ साथ इस समयावधि में जो मीन राशि वाले जातक हैं, धन लाभ अचानक आपके जीवन में बड़ा धन लाभ होने वाला है। कई स्रोतों से भी आपके जीवन में धन लाभ की उम्मीद रहेगी और आपको शुभता भी मिलने वाली है। अगर आप प्रयासरत हैं और इस समयावधि में आपके संबंध वैवाहिक जीवन में खराब हैं, तो विवाद भी आपके जीवन से
कुछ कम होता हुआ जरूर दिखाई देगा, और चूंकि राहु आपकी राशि में ही विराजित हैं तो क्रोध से आपको जरूर बचना चाहिए। तो इसकी वजह से जो मीन राशि वाले जातक विवाह में या जीवन साथी के साथ आपको कड़वाहट मिल रही है, उसमें आपको कुछ हद तक कमी जरूर मिलने वाली है। अगर आप इस समयावधि में दर्शन शास्त्र, रिसर्च या अनुसंधान के क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं तो उन जातकों के जीवन में ये जो समयावधि है वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देने वाली है। और मीन राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए द्वितीय भाव जो होता है वाणी का होता है, यहां पर सूर्य की उच्च दृष्टि पड़ने वाली है। तो जहां मीन राशि वाले जातक अपने वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे, वहीं आपके व्यक्तित्व में आकर्षण भी बनने वाला है। अब यहां पर मीन राशि वाले जातकों अष्टम घर में ये प्रभावी हैं, तो सेहत का ध्यान आपको जरूर रखना है क्योंकि ये नीचस्थ अवस्था में प्रभावी हैं। तो ऐसे में इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। और मीन राशि वाले जातकों अगर आप जीवन में अपना सेल्फ डेवलपमेंट चाहते हैं, बड़ी उपलब्धियों को अर्जित करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जीवन में आपका विकास निरंतर हो, तो व्यर्थ के विवादों से आपको जीवन में साइड होना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि जो व्यर्थ का विवाद है ये आपकी मनोस्थिति को प्रभावित कर सकता है और नेगेटिविटी को भी आपके मन में डाल सकता है। ऐसे में जितना ज्यादा विवादों से आप बचते हैं उतना बेहतर रिजल्ट आपके जीवन में बना हुआ रहने वाला है। इस खास बात का ध्यान मीन राशि वाले जातकों को देना चाहिए, इससे भी आपके जीवन में ज्यादा श्रेष्ठ संभावना रहेगी। अब अगर आपको उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना जीवन में बेहतर परिणाम देगा। सूर्य को जलाभिषेक करते हैं तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। मीन राशि वाले जातकों यदि आप विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो आपको आसानी से गाय मिल सकती है। गायों को यदि आप हरी घास डालते हैं तो इससे आपके जीवन में सूर्य की शुभता ज्यादा मिलने वाली है। अगर आपको दी गई जानकारी बेहतर लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है उसको बताने का कष्ट करें। और मीन राशि वाले जातकों इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओम नमः शिवाय।